हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजह है। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया वर्सेस रशिया की मिलिट्री पावर को। अच्छा। और बिल्कुल ये लेटेस्ट है, 2021 का कंपैरिजन है। देखते हैं भाई इंडिया ज्यादा रशिया से आगे कि रशिया फिर इंडिया से आगे, ये पता चलेगा वीडियो। बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शक नहीं, अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा कि कौन सा देश ज्यादा आगे है। तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट, क्योंकि इन दिनों इंडिया और रशिया कितनी बन नहीं रही आपस में। बिल्कुल, ग्लोबल रैंक चौथा इंडिया का है तो रशिया का दूसरा है। डिफेंस बजट 73 बिलियन, उसको क्या है भाई? कम है ना रशिया का? रशिया का कम, अभी कम होता जा रहा है भाई रशिया का। मोदी जी थे प्रेसिडेंट, पुटिन होती है। कैपिटल अपना तो दिल्ली है भाई, मॉस्को है उनका। हाँ, उनका मॉस्को आ गया। पॉपुलेशन देखो इंडिया की ज्यादा है, एक में मतलब के 146 मिलियन है, बहुत कम है। बहुत कम। एक्टिव पर्सनल 14 लाख, 45,000, उनके तो कम है, बहुत कम है उनके तो कम है यार। रिजर्व मतलब कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख का फर्क है, 1 लाख का फर्क है, बहुत बड़ी संख्या है ये भी। कॉम्बैट टैंक है 5,500, उनके पास 21,000, कम है बहुत। अबे उनके पास बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास कम है। 10,000, 50,000 उनके पास ज्यादा है। तो 1500। अबे ये लोग क्या ये गाड़ियों से खेलते हैं क्या? 5,600 इंडिया के पास, मतलब चलो थोड़ा सा मतलब अद्दवाद फर्क है। आपको आर्मर्ड कार 7,500 पार्ट उनके पास बहुत। अभी ये क्या इनका हर एक बंदा गाड़ी में घूम रहा होता है क्या? ऐसी ये कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, इनका धंधा ही इंडिया में चलता है, मसला ये है ना। 5,932 और उसका 11,000, मतलब डबल का फर्क है। रॉकेट प्रोजेक्ट और उनके पास 4,000, मतलब गेम बिल्कुल चेंज। एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल रशियन एयरफोर्स। मतलब 2400 एयरक्राफ्ट उनके पास आ गए 4200 एयरक्राफ्ट। फर्क है भाई, फर्क है। फाइटर 550, मतलब कम अच्छा फाइट हो सकता है इसके अंदर अच्छी फाइट दोनों की हो सकता है और जबरदस्त हो सकता है। अटैक एयरक्राफ्ट 694 जो उनके पास 1400, ठीक है, सही है। अगर मुकाबला बंदे स्ट्रेटजी अच्छी हो तो मुकाबला हो सकता है। ट्रेनर का भाई ठीक ही है, ट्रेनर का कोई बराबर ही, ट्रेनर जितने मर्जी हो बेशक ट्रेनर से फर्क नहीं पड़ता। टोटल हेलीकॉप्टर 700, मतलब डबल कर दो। बिल्कुल, अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया के पास बहुत कम, अटैक हेलीकॉप्टर्स है बहुत कम है इंडिया के पास, ये मुझे पहली बात पता थी। जोर दे रहे हैं खरीदने पे और ज्यादा खरीदेंगे। 135 है। उनके पास सिफर है, उनके पास जीरो है। ये आई थिंक अमेरिका के पास ही, इंडिया लेने की बात तो कर तो रहा है। 6, 5, 33 आ गया। बहुत रशिया भाई इन चीजों में, रशिया खुद बनाता है ना, उसे बाहर से कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती। चलो इधर तो कम से कम है, बराबर थोड़ा हुआ। टैंकर एयरक्राफ्ट मतलब जो फेल करते हैं हवा के अंदर, जहाज के अंदर फ्यूल, ठीक है। उनके पास जहाज भी ज्यादा है ना यार, उनको ज्यादा संख्या में चाहिए। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 106,
की 400 कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही है बस। नेवी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, दोनों की है, बल्कि रशिया की भी होगी आई थिंक सो। 806 302 इंडिया आगे है, हाँ इंदर आगे है भाई इंडिया। बिल्कुल, यानी इंडिया के पास अब दो हो गए हैं, रशिया के पास एक है। आगे है बात, स्ट्राइक्स 11 18 कोई फर्क नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है। फ्रिगेट्स 14 13 मतलब इधर भी सेम कर दो बराबर, हाँ 24 85 85। पेट्रोलिंग व्हीकल वेसल्स मतलब की 197 और उनके पास कम है फिर रशिया के मैम 8 48 फर्क है ना, हाँ फर्क है, अच्छा खासा फर्क है। न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया का न्यूक्लियर वेपन ना देखना, नहीं तो नींद नहीं आएगी। 6500 ये बहुत बना के रखे हुए, ऐसे ऐसे बना के रखे हुए जिस तरह हर एक बंदे को एक न्यूक्लियर वेपन देगा बोलेगा जाके फोड़ो। ये बहुत 100 सालों से ये इस काम पे लगा हुआ बना रहा है, और अंदाजा लगा लो फिर इसे इसके पास क्या क्या कुछ नहीं। हाइड्रोजन बम भी है इसके पास, मेरे ख्याल से सुनने में तो कुछ ऐसी चीज आई थी कि इनके पास हाइड्रोजन। यार मुकाबला देखा जाए तो इंडिया और रशिया का आपस में, यार देखो सीधी सी बात है भाई, रशिया बहुत पहले का दुनिया में आया हुआ है, शुरू से तरक्की कर रहा है, और अभी अगर बजट की बात की जाए तो इंडिया का बजट भाई इनसे ज्यादा है, और अगर वो रशिया इसके करीब करीब नहीं आ रहा बजट के लिहाज से। आप अगर इंडिया अपनी चीजें बनानी भी शुरू कर दी सब कुछ, अब बजट अपना इधर ही लगाएगा ना, तो मैं कहता हूँ कुछ सालों के अंदर अंदर इंडिया के पास ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि इनसे ज्यादा होंगी, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है। माना अभी टैंक महंगे इनके ज्यादा है, लेकिन ये है कि इंडिया अपने भी अब टैंक बना रहा है, ये मत भूलो तुम लोग। और जब इंडिया अपनी चीज बना रहा है, कम पैसा अपने टैंकों पर लगाएगा तो इनसे ज्यादा फिर हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया का बजट ही बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बजाज, मैं एक बात करता हूँ ना, यही रशिया है ना, ये तकरीबन 150-250 साल हो गए तकरीबन, ये इसी चीज पे पड़ा हुआ है, ये ताबेस वेपन पे, ये ताबेस पे पहुंचा हुआ है। इंडिया अभी अभी से शुरू हुआ है, अभी ये 35-40 साल हुए शुरू हुआ है, मतलब अगर इस रफ्तार को देखा जाए तो इंडिया बेहतर है रशिया से। बिल्कुल, क्यों बेहतर है कि मुकाबला तो कर सकता है ना, बजट ज्यादा है, बजट ज्यादा है, रशिया तब आगे कि उसने पहले से ये काम शुरू किए हैं एटमी चीजें इकट्ठी करने के लिए, तब उसकी चीजें वही ना। और इसका धंधा रशिया का आपको पता है, सीधी सी बात है, धंधा ही हथियारों पे चलता है, सुपर पावर था एक टाइम पे, आज से 25-30 साल पीछे चले जाए सुपर पावर था। आज अंदाजा लगा लो, आज जिसको इंडिया के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इंडिया में इतना दम है तो इंडिया के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है ना। 6-8 सालों में देखना रशिया के साथ बराबर इंडिया, मतलब हर चीज, मतलब नेवी का मुकाबला, तो नेवी मुकाबला देख ले रशिया के साथ बराबर ही, एक किस्म का आप समझ लो टक्कर, एयरक्राफ्ट उनके पास एक है, इंडिया के पास दो है, बिल्कुल, वो भी अपने बलबूते पर बनाया है सब कुछ, और अब बनाया भी अपने मजे की बात, इंडिया ने बनाया भी ना, वही ना, उसमें भी अरबों डॉलर लगे चाहिए, कोई कम चीज तो बाबा कम टाइम पे बनाया है, ये भी नहीं कोई उसके बड़े टाइम था, कम लगा उस लिहाज, जिस चीज जिस तरह की चीज उस तरह से इन लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग यूज किया और इसको किया, पैसे भी कम यूज हुए उसके, बिल्कुल, और मुल्कों की निस्बत बिल्कुल। और जिस तरह से आपको पता है रशिया हथियारों भी चलता है, तो इंडिया अभी इस फील्ड में एंटर हो रहा है, इंडिया भी मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है, अपने पास एयरक्राफ्ट बना रहा है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बना, दुनिया ने सोचा नहीं था कि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, गने बना रहा है अभी, वो टैंक बना रहा है और चीजें बना रहा है, चीजें में इंडिया बना रहा है यार, अभी आने वाले 10-15 सालों के अंदर के मामले में इंडिया खुद तो कफील ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और अभी एक्सपोर्ट भी करेगा, जाहिर सी बात है बाबा जी, वो तो फिर जब हो गया तो आप देखें किसी मुल्क को ऐसे की जरूरत पड़ती है तो वो रशिया की तरफ देखता है, फिर ऐसा टाइम आएगा कि इंडिया तरफ देखेंगे, इंडिया चीज को काफी प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, अगर हमारे थॉट्स आपको सही लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।